नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां हम नजर डालेंगे कुछ खास अपडेट्स पे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मालवा निमाड़ के मैराथन दौरे को लेकर। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। सबसे पहले शिवराज खातेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने खेतों में पहुंचकर खराब फसलों का जायजा लिया। गौरतलब है कि मानसून में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, किसान काफ़ी परेशान है और इसी नुकसान का आकलन करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ उनके खेतों तक पहुंचे हैं। सीएम ने खेतों का दौरा किया और खराब हुई फसलों को भी देखा। इसके बाद इंदौर पहुंचकर शहर को बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। वैसे इस अस्पताल को अभी सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया जा रहा है, सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं कुछ समय बाद से मिल सकेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देवगुराड़िया ट्रेंचिंग ग्राउंड में 550 टन क्षमता के बायो मिथेनाइजेशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। इसके बाद वे स्वयंसेवी संगठनों के सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुमेड़ी में पानी की टंकी निर्माण, फीडर लाइन, जल प्रदाय लाइन, सड़क निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। कुल मिलाकर सीएम ने अपने मैराथन दौरे में मध्य प्रदेश को कई सौगातें समर्पित की है। हालांकि उपचुनाव के लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है और काफ़ी राजनीतिक हलचलों को बढ़ा गया है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, जहां तक मध्य प्रदेश के सौगात मिलने की बात है तो ये सिलसिला और जारी रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से होने वाली है। पीएम मोदी इसके पत्र वितरण की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। ये कार्यक्रम सितंबर में होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश इस योजना में पूरे देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे आयोजन की तैयारी भी शुरू करने के लिए कहा। पीएम स्वनिधि योजना में 31 अगस्त तक तकरीबन 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स के केस मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, तो मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया के सामने एक पेनड्राइव लहराते हुए ये सनसनीखेज दावा किया था कि इस पेनड्राइव में 26 लाख, जी हां 26 लाख उन किसानों के नाम, पते और अकाउंट नंबर सहित राशि भी दर्ज है, जो कि कर्ज के रूप में उनकी माफ की गई है, यानी कर्ज माफी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पेनड्राइव ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि ये पेनड्राइव ट्विटर और टीवी की सरकार है। पहले पेन यानी दर्द दिया और अब झूठा कर्ज माफी का वादा करके ड्राइव पर ले जा रहे हैं। प्रदेश के किसान सब समझते हैं कि किस तरह से कमलनाथ सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। कुल मिलाकर किसान कर्ज माफी पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है और जुबानी जंग भी जारी है। अगली अपडेट, लगातार बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर निशाना साध रही थी और इसी बीच शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है, यानी 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल अब वसूला नहीं जाएगा। इसे लेकर राज्य ऊर्जा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक अब 1 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से बिजली का बिल देना होगा। 1 सितंबर से अब नई गाइडलाइन जारी होगी। आदेश का पालन हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। तो उपचुनाव से पहले एक और बड़ी राहत यहां पर छोटे उपभोक्ताओं को मिल रही है, बिजली बिल माफी के तौर पर। अगली अपडेट, विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देशों पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता। राज्यों को 30 सितंबर तक एग्जाम्स कराने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम्स रद्द नहीं कर सकते, राज्य भी ये परीक्षाएं करवाए ताकि छात्र आगे बढ़ सकें।
जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप अधिक है यानी कि कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, वहां पर वे यूजीसी से बात करके परीक्षाओं की तारीखें आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। अगर वहां पर एग्जाम्स कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कोरोना की वजह से, तो वे आगे की तारीखें तय कर सकते हैं। कोरोना संकट के चलते जनरल प्रमोशन बिना एग्जाम्स लिए नहीं दिया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये फैसला सुना दिया है। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की कोविड 19 अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में नए संक्रमित यानी कल के दिन में जो संक्रमित सामने आए हैं वो है 1317। जी हाँ, ये नए केसेस हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 58,181 तक पहुंच गई है। कल के दिन में 24 मरीजों ने दम तोड़ा और कुल मौत का आंकड़ा 1306 तक जा पहुंचा। फिलहाल मध्य प्रदेश में 12,422 मरीजों का इलाज जारी है, यानी इतने एक्टिव केसेस हैं। इंदौर में नए संक्रमित 198, कुल संक्रमित 12,229, 4 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 379 तक पहुंच गया है और पिछले 24 घंटों में 120 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसी तरह कल के दिन की अगर हम बात करें तो भोपाल 155, ग्वालियर 156, जबलपुर 126 और झाबुआ में 49 नए मरीज सामने आए। इसी तरह शिवपुरी में 43, खरगोन 36, उज्जैन 34 और सागर में भी 31 नए प्रकरण कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। तो ये थी एमपी की कोविड 19 अपडेट्स और अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो राजधानी भोपाल में गुरुवार रात 11 बजे से बारिश होना शुरू हुई, जो कि तकरीबन सुबह 5 बजे तक चलती रही और इन 7 घंटों में लगभग 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के लिए भी राजधानी में तेज बारिश की संभावना है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाला सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक अति कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और यही कारण है कि भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट आगामी दिनों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है आगामी कुछ दिनों के लिए। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।